गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट होम. एज यू नो दैट यस्टरडे वी डिस्कस आवर फर्स्ट चैप्टर इन पॉलिटिकल साइंस इन विच वी डिस्कस वॉट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, what is the importance of constitution, and how the constitution made. So today we start the principle of deliberation. This is a very important topic regarding this chapter. ठीक है, as you and we all are aware that 299 members are in our constituent assembly. There were often disagreement among its members while making constitution. It means ki in this topic we discuss how we finally made our constitution. It means how can we discuss on our constitution, every article how can made. So it is made after the much more debate and discussion, and sometime these members are disagree with each other and differences were many. और बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे थे जिन पर कि वो एक दूसरे से डिफर अपनी ओपिनियन रखते थे. जैसे फॉर एग्जाम्पल, देखिए बेटा, अगर आप क्लास में आकर चुपचाप बैठ जाते हो तो इट मीन्स या तो टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है या फिर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है. अगर क्वेश्चन बच्चा आगे से करता है इट मीन्स कि उसमें आपको समझ में आ रहा है. तो एक जो हेल्दी डिस्कशन होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपकी आप क्वेश्चनिंग करते हो. तो अगर एक टॉपिक लिया हमारे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर्स ने तो उस पर, क्योंकि वो सभी बहुत ज़्यादा लर्नेड थे तो वो क्या करते थे, उस पर एक अच्छी डिबेट एंड डिस्कशन होती थी. और उस फिर एक जो फाइनल रिजल्ट निकल कर आता था वो एक अच्छा, एक हेल्दी उसका ओपिनियन निकल कर आता था. ठीक है, क्यों, रीज़न क्या था वो हेल्दी? हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आफ्टर द इंडिपेंडेंट ऑफ 17 ईयर्स वी फॉलो द सेम कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल दो इट डेवलप एंड अमेंडेड सो मैनी टाइम, बट our constitution is successful. And should India adopt, अब वो ये differences किस किस उस पर होते थे, किन किन topics पर होते थे, तो वो topic क्या होते थे, should India adopt centralized or decentralized system. It means कि centralized कैसे, centralized का मतलब होता है बेटा कि एक ही government पूरे country के लिए, या कि फेडरल सिस्टम हम अडॉप्ट करेंगे. ठीक है, व्हाट शुड बी रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर. अगर हम फेडरल सिस्टम अडॉप्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारे जो सेंटर और स्टेट के रिलेशन है वो कैसे होंगे. ठीक है, फेडरल आपने देखा था, फेडरल सिस्टम दो तरह के होते हैं, कमिंग टुगेदर, टेंथ क्लास के अंदर आप सब पढ़ के आए हो, एक होल्डिंग टुगेदर. होल्डिंग टुगेदर जो होती है उसमें क्या होता है बेटा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो मोर पावरफुल होती है. इसके जो एग्जांपल्स होते हैं वो है इंडिया है, बेल्जियम है ना. और जो होते हैं कमिंग टुगेदर, जिसमें क्या होता है स्टेट एंड सेंट्रल आर इक्वली, हैव इक्वली पावर्स, आर इक्वली पावरफुल. द एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ कंट्रीज आर अमेरिका, स्विट्जरलैंड, है ना, वगैरह वगैरह. तो ये होगा कि, है ना, व्हाट शुड बी पावर ऑफ जुडिशरी, उसकी
क्या पावर्स होंगी, शुड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी राइट। तो ये सारे बहुत सारे टॉपिक थे जिनके ऊपर उसमें बहुत सारे डिबेट एंड डिस्कशंस होते थे, है ना। और जुडिशरी का क्या स्ट्रक्चर होगा, है ना, उसको क्या क्या पावर दी जाएंगी, क्यों एक इंडिपेंडेंट पावरफुली नेसेसरी है हमारे हमारी डेमोक्रेसी के लिए। शुड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी राइट, क्या कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपर्टी के राइट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। बट दे विल दे ऑल आर एग्री ऑन यूनिवर्सल सफरजेट, ठीक है, बट वो सब एक बात पर सब एक एग्री थे, सब उसको सपोर्ट कर रहे थे, वो क्या थी कि यूनिवर्सल सफरेज, सफरेज मतलब इसका होता है कि राइट टू वोट, कि एवरी पर्सन ऑफ इंडिया इज हैव राइट टू वोट। दीज डिबेट्स डिजर्व टू बी मेमोराइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स इन हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, इक्वल इन इम्पोर्टेंस टू बी फ्रेंच एंड द अमेरिकन रेवोल्यूशन। ये जो जितने भी ये डिबेट और डिस्कशंस हुए ये यादगार चीज़ें थी किसके लिए, हिस्ट्री के लिए, बहुत ही ज़्यादा हमारे देश के इतिहास में ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है। और इसमें क्या करा गया है, हमने जो हमारे कंट्री की हिस्ट्री है ये इक्वली इम्पोर्टेंस है टू फ्रेंच एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन। इसमें अच्छा नाउ प्रोसीजर, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रोसीजर। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 8 मेजर कमेटी ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे आपको ऑल सब्जेक्ट एक टीचर नहीं पढ़ा सकता, इस तरह से जो आप जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें भी जो स्पेशलाइजेशन था जिनका, जो एक्सपर्ट थे अपने फील्ड्स के, उन मेंबर्स की 8 जो है मेजर कमेटीज बना दी गई थी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल और भीमराव अम्बेडकर दीज चेयर दीज कमेटी। इसमें जो जवाहरलाल नेहरू हो गए, राजेंद्र प्रसाद जी हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर, ये सब इन कमेटीज के मेंबर थे। दीज मैन वर नॉट एग्रीड विद ईच अदर ऑन मैनी थीम्स, ये बहुत सारी चीज़ों पर अपने डिफरेंट ओपिनियन रखते थे। अम्बेडकर हैड बीन बिटर क्रिटिक ऑफ कांग्रेस एंड गांधी एक्टिविटीज देन फॉर नॉट डूइंग एनफ फॉर एससी। अम्बेडकर जो है वो जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी थी उससे अपने आप बहुत ज़्यादा उससे डिफरेंस रखते थे, और उनका ये मानना था कि गांधी जी ने एससी के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया। अब बेटा मैं आपको 10th क्लास में लेके चलती हूँ, आपको याद है पूना पैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द 10th क्लास ना, पूना पैक्ट इन 1932 व्हेन अम्बेडकर डिमांड फॉर अ सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम फॉर द एससी एंड एसटीज, ठीक है। जैसे कि मुस्लिम लीग जो है उन्होंने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी, ये सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम चाहिए हमें किसके लिए, एससी और एसटीज के लिए। इसी तरह अंबेडकर ने भी डिमांड रखी थी कि उन्हें सेपरेट चाहिए, तो तब गांधी जी ने फास्ट टू डेथ पर वो बैठ गए थे, फास्ट टिल डेथ, आमरण अनशन कहते हैं जिसे हिंदी में, उस पर बैठ गए थे, और उन्होंने कहा था कि नहीं, सोसाइटी अगर इस तरह से डिवाइड होती रही तो किस तरह से हम लोग इनसे करेंगे। तब अंबेडकर ने उनकी बात को माना था और 1932 में पूना पैक्ट हुआ था जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि इफ़ वी गॉट व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंट देन वी
गिव सम रिजर्वेशन इन अ इलेक्टोरल सिस्टम रिजर्व, है ना, और एंड द एजुकेशनल एंड अ गवर्नमेंट जॉब. ठीक है, तो ये रिजर्वेशन का जो हम लोग आज देखते हैं ये उस टाइम हुआ था, अदरवाइज वो अपना सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम मान रहे थे. ठीक है, पटेल एंड नेहरू डिसएग्रीड ऑन मैनी इशूज. इसी तरह जो हमारे पहले होम मिनिस्टर इंडिपेंडेंट इंडिया के कौन थे, वल्लभ भाई पटेल, तो उनकी उनकी और पटेल की बहुत सारे इशूज़ पर वो एक दूसरे को डिसएग्री करते थे. नेवर लेस दे आर वर्क टुगेदर, लेकिन ऐसा नहीं था, उन्होंने हमेशा एक साथ काम किया. ईच कमेटी यूजली ड्राफ्ट पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ द कमीशन एंड देम असेंबली. हर कमेटी जो है उसको वो अपने पर्टिकुलर जो प्रोफेशन था उसको ही ड्राफ्ट करती थी. सम प्रोविजंस वर सब्जेक्टेड टू वोट एवरी सिंगल, है ना, आर्ग्यूमेंट वर रिस्पोंडेड टू ग्रेट केयर एंड राइटिंग. जो भी चीज़ें थी वो खूब ग्रेट डिस्कशन और उसके बाद जो है वो लिखी गई. द असेंबली मेट फॉर 160 डेज सेपरेट ओवर 2 ईयर्स 11 मंथ एंड 18 डे. असेंबली की जो मीटिंग थी वो कितने दिन चली, 166 डेज, एंड उसके बाद जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनकर रेडी हुआ. अच्छा, इनहेरिटेंस ऑफ नेशनल मूवमेंट. ठीक है, द बेस्ट समरी ऑफ प्रिंसिपल दैट द नेशनलिस्ट मूवमेंट ब्रॉड द कंटिन्यूस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन एंड द रेजोल्यूशन दैट डिफाइंड द एम ऑफ असेंबली मूव नेहरू ऑन 13 दिसंबर 1946. द रेजोल्यूशन ऑफ द इन कैप्चर्ड पुट इन अ शॉर्ट द एक्सप्रेशन ऑफ वैल्यू बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन. बेस्ड ऑन हिज रिसोल्यूशन आवर कॉन्स्टिट्यूशन गेव अ न्यू डायरेक्शन टू दिस फंडामेंटल इक्वलिटी लिबर्टी डेमोक्रेसी सॉवरनिटी एंड द कॉस्मुलेशन आइडेंटिटी. तो अब इसमें ये क्या है आपका, ये जो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक नई डायरेक्शन दी जिसका जो फंडामेंटल था बेटा प्रियम्बल. प्रियम्बल आप जानते हो, प्रियम्बल के ऊपर आपने बहुत सारे चार्ट रेडी किए हैं, तो उसमें हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं ना, इक्वलिटी लिबर्टी डेमोक्रेसी सॉवरनिटी सोशल, है ना, सेकुलरिज्म, है ना, तो ये सब चीज़ें हैं ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक नई डायरेक्शन देती हैं. नाउ मेन पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इंडिया इज अ इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक. इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव थे वो क्या थे, इंडिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक. इसका मतलब क्या है बेटा, ये आपने सब पढ़ा है, सोवरेनिटी का मतलब होता है कि नो बडी कैन इंटरफियर इन आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर्स. ठीक है, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, व्हेन अ हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पीपल दैट कंट्री इज कॉल्ड अ रिपब्लिक. इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ एल्स ब्रिटेन इंडिया टेरिटरी इंडिया स्टेट हैज़ अदर पार्ट आउटसाइड ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन स्टेट एज अवर विलिंग टू बी अ पार्ट ऑफ यूनियन. टेरिटरी फॉर्मिंग द यूनियन शैल बी ऑटो
One is unit of the exercise all power, the function of the government and administration. All the powers and the authority of citizen on independent India and the constitution shall flow from the people. All people of India shall be guaranteed and secured social, economic and the political justice, equality of state and opportunities and equality before law and fundamental freedom of speech, expression, freedom of religion and the freedom of forming association. ठीक है, तो ये हमारे जो कंट्री के फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोवाइड किए गए, ये सब क्या थे? ये हमारी इक्वालिटी बिफोर लॉ, फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ स्पीच, है ना, फंडामेंटल राइट के अंदर ये सब आ जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, प्रैक्टिस एनी रिलीजन एंड द इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड द इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इट मीन्स राइट टू इक्वालिटी. The minority, backwards and the tribals, area dispossessed and the other backward class shall be provided equal safeguard. India में जितनी भी minorities हैं, minorities जैसे सिख हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, है ना, इन सबको क्या किया गया है, equally जो है उसमें equally safeguard हमारा constitution जो है वो provide करता है. The territorial integrity of the republic, its sovereign rights and land, sea and air shall be maintained according to justice law, है ना, available nation. The land would make full of willing constitution to promotion the world peace, welfare एंड मैनकाइंड. ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये जो रिपब्लिक होगा वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होगी, इट मीन्स हमारी जो जो कंट्री है वो फेडरल होते हुए भी यूनाइटेड रहेगा. रिपब्लिक का मीन्स होता है कि यहाँ पर कोई भी हेरिडिटी के अकॉर्डिंग नहीं, जो है रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड बाई द पीपल. तो हमने रिपब्लिकन वो चुना. बच्चों जो हमारा ब्रिटेन का जो सिस्टम है, ब्रिटेन्स और हमारा जो डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ब्रिटेन की भी और हमारी भी, ऑलमोस्ट हमने सारा स्ट्रक्चर, क्योंकि हम उन्हीं के स्लेव थे, हमने 200 तक उन्होंने ही हमारे ऊपर रूल किया. और ये पार्लियामेंट हाउस हमारा, हमारा जो प्रेसिडेंट हाउस है, जो जितनी भी ये सिस्टम है सब ये क्या है, हम दी ऑल आर गिवन बाई अ ब्रिटिशर्स. तो आफ्टर इंडिपेंडेंस बस इतना हुआ कि वी आर सॉवरेन, मतलब वी आर फ्री इन आवर एक्सटर्नल एंड इंटरनल अफेयर्स, हम वी आर मेकिंग आवर ओन लॉज, है ना, वी प्रिपेयर आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू विच वी गवर्न आवर कंट्री. ठीक है, तो ये हमने किया कब, आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो हमने हर चीज़ जो ली है वो ब्रिटेन से ली है, बट एक चीज़ में ब्रिटेन जो है वो रिपब्लिक नहीं है, बिकॉज वहाँ पर जो जो हमारे प्रेसिडेंट है, जो हमारे प्रेसिडेंट के राइट है, वहाँ पर वो किसके पास है, क्वीन, किंग या प्रिंस, प्रिंसेस जो भी वहाँ पर हेरिडिटी के थ्रू वहाँ पर आते हैं उनके पास होते हैं. तो जो राइट हमारे प्रेसिडेंट के होते हैं ऑलमोस्ट वही सब राइट जो है वहाँ पर उनके पास होते हैं, बट वो इलेक्टेड नहीं होते. इसीलिए ब्रिटेन जो है वो रिपब्लिकन कंट्री नहीं कहलाता और इंडिया जो है वो रिपब्लिक कंट्री कहलाता है. ठीक है, इट्स सॉवरेन राइट ऑन लैंड, सी एंड इन शैल बी मेंटेन अकॉर्डिंग टू जस्टिस लॉ ऑफ नेशन. जो इसके राइट्स होंगे, इसकी लैंड, इसके वो एयर, है ना, जो हमारे तीनों सेना होती है ना, लैंड, सी एंड नेवी होती है उसको, सी और एयर, एयरफोर्स, ये हम अपने अकॉर्डिंग जो है इनक्रीज ऑवर्जिनिटी को मेंटेन करेंगी. द लैंड विल मेक फुल ऑफ विलिंग कंट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन वर्ल्ड पीस, वेलफेयर एंड मैनकाइंड. जो हमारी ज़मीन होगी, हमारी यही इच्छा है कि हम उसमें पूरा हम अपना कंट्रीब्यूशन देंगे
दुनिया में शांति, दुनिया के अंदर पीस को मेंटेन करने के लिए, प्रमोशन मैनकाइंड को प्रमोट करने के लिए। इट मींस कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें हमारी पुरानी कल्चरल सारी एक्टिविटीज़, इट मींस इंडिया ने हमेशा ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस को ही प्रमोट किया अपने कंट्री के अंदर। तो आफ्टर इंडिपेंडेंट हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसी चीज़ के लिए, हमें इसी आइडियोलॉजी से वो भी इन्फ्लुएंस था कि हम आफ्टर इंडिपेंडेंस किसी दुनिया के अंदर हम पीस मेंटेन, जो हमने आप देखोगे कि नेक्स्ट ईयर आप पढ़ोगे कि किस तरह से आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया ने किसी भी जो कंट्री है उनके ना लड़ाई में विश्वास किया और चाहते थे कि जो भी हो हम अपनी कंट्री को प्रमोट करेंगे। हमारा कंट्री जो है, इंडिया जो है, वो वर्ल्ड में पीस के लिए, वेलफेयर के लिए और मैनकाइंड ह्यूमनिटी, है ना, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने में अपनी कंट्रीब्यूशन देगा। सो नेक्स्ट टॉपिक्स वी विल कंटिन्यू इन अ नेक्स्ट पीरियड। हैव अ नाइस डे।